इतनी देर से तुम बोल रही हो, बाबा से दृष्टि ले सकती थी, थोड़ी देर है, थोड़ी देर टीजे मिल गई है, सब भूल गई क्या? भूल गया ना, थोड़ी चलता है, आती है, प्रवेश करती है। तुमसे मना किया था कि तुम अपने गांव मत जाओ, आश्रम छोड़ करके, तुमने नहीं माना, हम गांव वालों को सुधारेंगे जाके। ऐसे ही दुनिया सुधर जाती है। कुछ टाइम जैसे बाबा चलाते हैं वैसे चलना चाहिए, अब फिर तुम जबरदस्ती कर रही है। आज है 2 फरवरी 2004 का अव्यक्तवाणी का क्लास। हेडिंग दिया है पूर्वज और पूज्य के समान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो और दुआएं लो। किसने बोला और किसको बोला? पूर्वज, पूर्वज माना क्या? आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। पूर्वज हैं तो सर्वश्रेष्ठ तो होंगे ना। पूर्व माना पहले और जा माने जन्म लेने वाले। जब नई सृष्टि की रचना हुई तो जिन्होंने सबसे पहले जन्म लिया तो जरूर पूर्वज हुए। तो उन सर्वश्रेष्ठ बच्चों को, जो चारों ओर के बच्चे, चार दिशाएं होती हैं और चार दिशाओं के चार कोने होते हैं, बाकी आकाश और पाताल में तो कोई आत्मा होती नहीं। इसी सृष्टि की बात है। तो वो आत्माएं जो पूर्वज के रूप में संसार के धर्मों में मानी जाती है और जो चारों ओर के हैं, एक दिशा के नहीं है, चारों ओर से ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। सिर्फ बच्चों को नहीं, श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। पूज्य किस आधार पर बनते हैं? पूज्य बनते हैं प्योरिटी के आधार पर। तो वो पूर्वज जो पूज्य हैं, इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं और तना भी है। जो षष्ठ की आदि पूर्वज आत्माएं होंगी, वो षष्ठ की बीज रूप आत्माएं होंगी या जड़ रूप आधार मूर्त आत्माएं होंगी? है पहले कौन होता है? बीज होता है, लेकिन जो बीज होता है वो जड़ के मूल में भी होता है और तने में भी होता है, और तने से जो डालियां निकलती हैं उनके आदि में भी वो बीज ही काम करता है। इसलिए बोला कि कल्प वृक्ष के आप जड़ भी हैं और तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही हो जाता है। चाहे तना बनाने वाले पत्ते हो और जो चाहे बाईप्लाट धर्म की डालियां हो, उनमें जो भी पहले पहले पत्ते निकलते हैं, उन पत्ते से इन पूर्वज आत्माओं का विशेष कनेक्शन,
तो सभी अपने को ऐसे श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो? सभी माना वहां माउंट आबू के हाल में जितने बैठे हुए हैं सबके लिए बोला क्या है? सब तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो पूर्वज आत्माएं हैं वो तो हर धर्म में पूजी जाती है, चाहे अष्ट देवताओं के रूप में पूजी जाती है, नवग्रहों के रूप में पूजी जाती है, चाहे दूसरे धर्मों में फरिश्ताओं के रूप में पूजी जात मानी जाती है, तो वो गिनी चुनी आत्माएं हैं, बहुत नहीं है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जो सारे वृक्ष के पूर्वज हो ऐसा समझते हो? लाजमी है जो अलग अलग धर्मों के पूर्वज होंगे वास्तव में प्रैक्टिकली पूर्वज होंगे वो समझेंगे? सभी नहीं समझ, सभी नहीं समझ सकते। जैसे बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, क्या जो भी धर्म पिताएं हैं वो तो सिर्फ ग्रेट हैं, महान माने जाते हैं, लेकिन उन धर्म पिताओं का भी पिता जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, तो जैसे बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है उसके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। किसके साथ ही? जो बाबा के साथी है पूर्व, जैसे बाबा सारी सृष्टि का बीज है, ऐसे जो चारों ओर से बाबा के द्वारा चुनाव की हुई आत्माएं हैं और सारे ही विश्व धर्मों के पूर्वज हैं, वो बाबा के साथी हैं। क्या क्या कहा? बाबा के साथी हैं। आप मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। क्या नवरत्न गाए जाते हैं ना, वो तो नवरत्न है, लेकिन अष्ट देव भी गाए जाते हैं। अष्ट देवों में से सब देव हैं या कोई परमात्मा पार्टधारी भी होगा? वो तो अष्ट देव होंगे। यहाँ मिसाल दिया है, जैसे बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, बाबा का मिसाल दिया, किसके साथ है? किसके साथ है? जो मास्टर है ग्रेट बनने वाले हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर अपने अपने धर्मों से कनेक्टेड हैं, उनके लिए बोला। पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान होता है, तो उस नशे में रहते हो सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो और सभी आत्माओं के पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण आप पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्माओं को सकाश स्वतः ही मिलता रहता है, क्योंकि उनके प्रति प्यार होता है। भारतीय परंपरा में आज भी जब कनागते होते हैं, पितरों का स्पेशल आवाहन किया जाता है, पितर पूजन किया जाता है, वो इस समय की यादगार है।
कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो विधि पूर्वक नवग्रह का पूजन होता है। पूजन दूसरे धर्म की आत्माओं के हेड्स का होगा या जो देवी देवता सनातन धर्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे उनका होगा? इसका होगा, देवी देवता जो देवी देवता सनातन धर्म के हैं उन्हीं का होता है। तो कौन से पूर्वजों की बात की जा रही है? माला में तो 9 ग्रुप्स हैं, 12-12 के 9 धर्मों के 9 ग्रुप्स हैं। उनमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कितने हैं? टोटल कितने हैं रुद्रमाला में? 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी और बाकी सब इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि दूसरे दूसरे धर्मों से कनेक्टेड हैं। तो टोटल मिला के जो 108 की माला बनती है उसमें से पूर्वज किस ग्रुप में होंगे? हैं? पहले दो में से होंगे जो भाई चंद्रवंश, चंद्रमा भी कहाँ से निकलता है? चंद्रमा को भी रोशनी कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। डायरेक्ट चंद्रमा तो रोशनी नहीं देता। गीता में भी लिखा हुआ है, मैंने जब ज्ञान दिया तो सबसे पहले ज्ञान किसको सुनाया? सूर्य को सुनाया। तो पहले पहले तो सूर्यवंशी ग्रुप हुआ ना, वो तो सबके पूर्वज हुए। और उनमें भी 8 विशेष आत्माएं ऐसी हैं जो देव पद विशेष पाने वाली आत्माएं आदि हैं, पूर्वज और यज्ञ के आदि में भी ये आत्माएं थी जिनके लिए पिछली अव्यक्त वाणी में बोला है। क्या बोला है? कुमारका दादी से कि आदि रत्नों से आपका श्रृंगार हुआ है। माना दीदी दादियों का भी श्रृंगार करने वाले कौन है? आदि रत्न। वो आदि रत्न, उनको आदि रत्न कहो, आदि देव कहो, आदि आत्माएं कहो, पूर्वज कहो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्माओं को सकाश स्वतः ही मिलती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। क्या तना से तो सभी धर्म कनेक्टेड है ना, और जड़ों से भी सभी धर्मों का कनेक्शन है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। क्या? अपने सेंटर की पालना करना, अपने जोन की पालना करना, अपने धर्म विशेष की पालना करना, ये उनका लक्ष्य नहीं होता। शिव बाप विश्व कल्याणकारी है तो विश्व कल्याणकारी बाप के डायरेक्ट बच्चे भी कैसे होने चाहिए? विश्व कल्याणकारी। तो सर्व की पालना करना पूर्वजों का कार्य है। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा, पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं की पालना सर्व आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से पालना होती है। क्या कहा? जो पूर्वज आत्माएं हैं उनको डायरेक्ट पालना किससे मिलती है? डायरेक्ट बाप से। और दूसरे जो होंगे
उनको दीदी दादी दादाओं से भी मिलती होगी, लेकिन जो पूर्वज आत्माएं हैं, जो आदि हैं, आदि देव के डायरेक्ट बच्चे हैं, इष्ट देव कहे जाते हैं, उनकी पालना बाप द्वारा होती है। तो जो बाप द्वारा उनको शक्तियां मिली हुई है, उन शक्तियों से उन्हें पालना करनी है, करनी है, अभी की नहीं है, अब करनी है, वो टाइम आने वाला है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों के द्वारा पालना की आवश्यकता है। आज के समय क्यों कहा है? सर्व आत्माओं को माना 500 करोड़ आत्माओं को है? 500 करोड़ आत्माओं की बात नहीं है। हम ब्राह्मण कौन सी दुनिया में जीते हैं? 500 करोड़ की दुनिया में जीते हैं, या इतनी बड़ी विश्व के अंदर हम ब्राह्मणों का अपना ही छोटा सा संसार है? हमारा नया जन्म हुआ ना, तो पुरानी दुनिया से तो हमारा कनेक्शन टूट गया। जो ब्रह्मा बाप के बच्चे बन रहे हैं, जो ब्राह्मणों का संसार है, वो ही हमारा संसार है। बाप के संबंध के आधार पर हम बच्चों का इस दुनिया में कनेक्शन है, दूसरों को इसे कनेक्शन नहीं है। तो आज के समय माना ब्राह्मणों की दुनिया में जो शूटिंग का कार्य चल रहा है, रिहर्सल हो रही है, उसमें आज का समय कौन सा है? कौन सा पीरियड चल रहा है? है संगम युग तो चल रहा है, लेकिन संगम युग में कौन से युग की शूटिंग चल रही है? कलयुग की शूटिंग, और कलयुग में भी अंतिम समय की शूटिंग चल रही है। तो अंतिम समय की शूटिंग तो तामसी होगी, तामसी आत्माओं का आगमन होगा। वो आत्माएं इतनी कमजोर आत्माएं आ रही होंगी अभी यज्ञ में, जो अपने आप पुरुषार्थ करने की भी शक्ति नहीं रखती है। तो आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। आपकी एकत्र की हुई शक्तियों के द्वारा वो आत्माएं पालना ले सकती है। जानते हो आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। क्या ऐसी लहर के अंदर किसी तरह जीवित हुए पड़े हैं, जैसे कोई मरना चाहता हो, लेकिन मरना चाहते हुए भी मर नहीं सकता? अंदर से आता, सीना बोल अंदर से आता। तो बोला, जानते हो आजकल आत्माओं में अशांति दुख की लहर छाई हुई है। अशांति की भी लहर है, वाइब्रेशन फैले हुए हैं चारों तरफ दुनिया में। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है? सारी दुनिया किसकी संतान हुई? चंद्रवंशियों की संतान हुई, इस्लाम वंशियों की संतान हुई, बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की, या सिखों की, आर्य समाजियों की, किसकी संतान हुई? सारी दुनिया है बाप की संतान। बाप ज्ञान सूर्य है ना, तो जो ज्ञान सूर्य बाप है, उस बाप के जो डायरेक्ट बच्चे हैं, जो अनेक जन्मों के साथी हैं, सूर्यवंशी ग्रुप होगा या कोई भी वंश का ग्रुप होगा, तो अनेक जन्मों की साथी आत्माएं होंगी ना वो। तो जो अनेक जन्मों की जो साथी आत्माएं हैं, उनकी सारी दुनिया वंशावली हो गई। क्या
सूर्यवंशियों की वंशावली सारी दुनिया हो गई, तो अपनी वंशावली के ऊपर रहम आता है। किसको, किससे बात कर रहे हैं? जो भी अष्टदेव हैं, जो भी आदि वाली आत्माएं हैं, जो दीदी दादी दादाओं पालना लेने वाली, उनका भी संहार करने वाली रही थी आदि में, अभी दोबारा जन्म लेकर के आई है, तो अपनी वंशावली के ऊपर रहम आ रहा है। बाहर की दुनिया की वो वंशावली है या ब्राह्मणों की दुनिया की वो वंशावली है? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही बहुत दुखी आत्माएं, बहुत अशांत आत्माएं हैं, जो दुख और अशांति का लहर फैला रही है, दुख अशांति के लहर में डूबी हुई है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस को अलर्ट किया जाता है। वो तो जिस्मानी मिलिट्री है, और आप तो रूहानी मिलिट्री के बड़े बड़े कमांडर्स हो, तो बोला दुनियावी मिलिट्री अथवा जो दुनियावी जिस्मानी पुलिस है, उसका मिसाल देकर बताया कि बहुत कोई इमरजेंसी का पीरियड होता है तो उनको अलर्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही बाप दादा किसको अलर्ट कर रहे हैं? जो आदि के आदि रतन हैं, उनको अलर्ट कर रहे हैं। तो जैसे पुलिस और मिलिट्री अलर्ट हो जाती है, ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो हैं? विशेष सेवा अभी कौन सी बताई है? कई सालों से बोल रहे हैं, कौन सी विशेष सेवा है? ऐसे तो वाचा की भी सेवा होती आई, भागदौड़ की भी सेवा होती आई, कर्मणा सेवा, जैसे मधुबन में बहुत लोग खिलाने पिलाने का इंतजाम करते हैं, तो सेवा तो वो भी है, लेकिन विशेष सेवा बताई। जो सेवा जितनी सूक्ष्म होगी उतनी ज्यादा शक्तिशाली होगी। तो मन है सूक्ष्म, क्या मन है? अति सूक्ष्म। जैसे एटम अति सूक्ष्म होता है और उससे एटम बम बनता है, सारी दुनिया में परिवर्तन ला देता है, ऐसे ही ये मन जो है, ग्यारहवीं इंद्री कहा जाता है, और ये सब स्थूल इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। ये मन की मनसा सेवा तब हो सकती है अथवा उनके द्वारा हो सकती है जिन्होंने प्रैक्टिस करके मन को कंट्रोल कर लिया हो। तो जैसे लौकिक दुनिया में बाप के जो बड़े बच्चे होते हैं, उनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा आ जाती है, ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो तो दुनिया भी जिस्मानी बात हो गई कि जो जेठे बच्चे होते हैं उनको राज्य अधिकार दिया जाता है, लेकिन ये परंपरा कहाँ से पड़ती है? यहाँ संगम युग से। परमात्मा बाप भी जो आते हैं तो आदि से ही उन आदि रत्नों को वो दात मिली हुई है शक्ति प्राप्त करने की, उनका फाउंडेशन ही ऐसा पड़ जाता है। भले वो आत्मा दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में आई हुई हो, लेकिन वो मनसा सेवा के रूप से विशेष सेवा करने के निमित्त बन जाती है। तो पूछा, स्वयं को निमित्त समझते हो?
सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त हैं क्या? किसी एक धर्म विशेष के निमित्त नहीं है क्या? सारे धर्म की जो भी आत्माएं हैं विश्व धर्मों की सब के निमित्त हैं। ये कैसे? सब धर्मों का निमित्त तो एक प्रजापिता तो कहा जा सकता है, जिसे विश्व पिता कहा जाता है। तो जब वो निमित्त है तो उसके संगी साथी निमित्त नहीं होंगे क्या? है, बाप का पार्ट होता है बच्चों को वर्षा देना। वो ऊपर से आने वाले धर्म पिता हैं तो सिर्फ धर्म स्थापना करते हैं, लेकिन वो राजाई स्थापन नहीं करते, राजधानी स्थापन नहीं करते। लेकिन सुप्रीम सोल बाप जिसमें आता है वो स्वर्ग की राजधानी स्थापन करा के जाता है। तो जिसके द्वारा स्वर्ग की राजधानी स्थापन करता है उसके अंदर राजधानी स्थापना के संस्कार आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं? आते हैं। तो जैसे प्रजापिता के अंदर विश्व पिता के अंदर राजधानी स्थापन करने के संस्कार आ जाते हैं तो उसके जो संगी साथी होंगे उनके अंदर भी वो जरूर संस्कार समाये हुए होंगे। क्योंकि कुछ ग्रुप विशेष ऐसे हैं, आसमान में भी कोई कोई सितारे ऐसे हैं, कोई भी टाइम हो 24 घंटे में वो सदैव साथ ही साथ रहते हैं। क्या? जैसे सप्तर्षि देखे होंगे तो ध्रुव तारे के आसपास ही घूमते रहते हैं। इसलिए बताया सारे विश्व की आत्माओं के लिए आप निमित्त हैं। जैसे बाप निमित्त है वैसे आप भी सारे विश्व की आत्माओं को सुख शांति वर्षा सुख शांति का वर्षा देने के लिए निमित्त है। ये स्मृति रहती है। कैसे निमित्त बनती होंगी ये आत्माएं? हैं? अरे यहाँ तो बोल दिया ना व्यक्त वाणी में, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। सिर्फ एक मत का धागा होना चाहिए। क्या माला जो पिरोई जाती है तो उसमें दो सूत्र इकट्ठे किए जाते हैं जिनमें वो मणके पिरोए जाते हैं, एक ज्ञान का सूत्र और दूसरा स्नेह का सूत्र। इन दो सूत्रों के आधार पर माला तैयार होती है। तो जो पहला ग्रुप है उसके लिए इशारा दिया कि उसमें एक मत का धागा तैयार हो चुका है, थोड़ी सी कमी है इसलिए प्रत्यक्षता रुकी हुई। एक मत का धागा हो और आपस में स्नेह का संगठन, तो विश्व की आत्माओं के लिए आप निमित्त हैं। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। क्या? क्यों? अगर सारे विश्व की, कौन सी विश्व की बात हो रही होगी? ब्राह्मणों के विश्व की बात हो रही होगी। ब्राह्मणों के विश्व में भी कुछ वो आत्माएं हैं जो बेसिक नॉलेज में, विशेष बाप दादा का परिचय भी उनको नहीं है, और कुछ विशेष आत्माएं वो हैं एडवांस पार्टी की जिनको विशेष बाप दादा के विशेष पार्ट का परिचय भी मिल चुका है। तो सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। सकाश माना आपके वाइब्रेशन का सकाश, दृष्टि का सकाश। तो ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो क्या? कैसे बेहद के विश्व? ऐसा बेहद का विश्व
आए हुए बाप से कनेक्टेड है। विश्व की सेवा याद आती है व अपने अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। अगर विश्व पिता के डायरेक्ट बच्चे हैं तो हद में उनकी बुद्धि बंधी हुई होनी नहीं चाहिए। अगर हद में बुद्धि बंधी हुई है तो वो आद्य रत्नों की लिस्ट में नहीं आ सकते। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। इस साल की वाणियां खास किसके लिए चल रही है, है? आदि रत्नों के लिए, आदि देव के लिए। कोई भी वाणी उठा के देख लीजिए, पूरी वाणी को ध्यान से पढ़िए, अव्यक्त वाणी को, उसमें ये इशारे जरूर मिलेंगे। तो आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है सारी दुनिया। सारी दुनिया माना 500 करोड़ की दुनिया को क्या परिचय है जो पुकार रही है? उनको तो परिचय ही नहीं है। अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया में भी बेसिक वालों को परिचय है? नहीं परिचय। इसका मतलब एडवांस पार्टी वाले उसको देना। एडवांस पार्टी वाली कुछ विशेष आत्माएं हैं, तीसरी दुनिया की कोई विशेष ऐसी आत्माएं हैं जिनको आप पूर्वज देव आत्माओं की विशेष आवश्यकता है सकाश। क्यों है पहले नंबर का है? ये क्या बात हो गई? जो सृष्टि के माता पिता हैं, जगत पिता जगदम्बा, उनको छोड़ दिया और अष्टदेवों की जरूरत पड़ गई उनको, है? बाप भी माँ के सहयोग के बगैर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जो जेठे बच्चे हैं वो अपनी जिम्मेवारी समझ करके, जो परिवार की विशेष आत्माएं हैं या साधारण आत्माएं हैं या कमजोर आत्माएं हैं, उनको विशेष पालना देने की जिम्मेवारी उठा सकती है। जैसे परिवार में माँ बीमार हो जाती है तो क्या जो जिम्मेवार बच्चे होते हैं वो परिवार की जिम्मेवारी को नहीं उठाते हैं? उठाते हैं ना। 65 में मम्मा की हालत खराब थी, ओम राधे मम्मा की, हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, बाबा तो वृद्ध थे, तो क्या जिम्मेवारी उठाने वालों ने जिम्मेवारी नहीं उठाई? उठाई ना। ऐसे ही एडवांस पार्टी के लिए कहा कि आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवी देवताओं को पुकार रहे हैं। क्या कहा है? इसका मतलब हर एक आत्मा, जो बेहद विश्व की आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं, वो उनमें से हर एक आत्मा अपने अपने भिन्न भिन्न देवी देवताओं को पुकार रहे हैं। अपने अपने, इसका मतलब एडवांस पार्टी में भी ग्रुप्स तैयार हो चुके हैं, अलग अलग धर्मों के घड़े तैयार हुए पड़े हैं, और उन घड़ों में से भी जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका चुनाव बाप के द्वारा कर लिया गया है। नहीं समझ में आ रहा है? इस वाक्य से ये साबित होता है कि उन आत्माओं का बाप ने चुनाव कर लिया है। अपने भिन्न भिन्न देवी देवताओं को वो आत्माएं पुकार भी रही है। अपने अपने क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो अष्ट देवताएं हैं, नौवां तो बाप है, नौवां कहो फर्स्ट कहो, तो जो आठ है उन आठ, क्योंकि बाप इस समय करणहार का पार्ट बजाए रहा है या करावनहार का पार्ट बजाए रहा है? करावन। करणहार का पार्ट कब तक बजाया? 69 तक करणहार का पार्ट बजाया। उसके बाद जो भी पार्ट चल रहा है वो करणहार का नहीं चल रहा है,
क्या चल रहा है? करावनहार का पाठ चल रहा है। तो जिन विशेष हैंड्स के द्वारा बाप दादा को अपना कार्य कराना है उनके लिए बोला कि हरेक अपने अपने भिन्न भिन्न देवी देवताओं को पुकार रहे हैं। कैसे? आओ, क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने में आता है सुनने में या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। भले वो अपने अपने इष्ट देव को पुकारते हैं, लेकिन तुम जिस किसी से भी मिलते हो तो उनको पूर्वज समझ करके मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज की ही टालटालियां हैं, चाहे किसी भी धर्म की हो, चाहे किसी भी ग्रुप विशेष की हो, उनके प्रति पार्शियलिटी का भाव तो पैदा नहीं होता। पूछा, पूर्वज की टालटालियां हैं, ये भाव आता है? इन्हों को भी शकास देने वाले आप पूर्वज हो, इन्हों को भी क्यों लगाया है? जब अष्टदेव हैं तो उनकी कोई तो कोई खसूसियत होगी ना, कि एक जैसे होंगे सब, नंबर तो होंगे ना। तो जैसे धर्मों के नंबर हैं, धर्म पिताओं के नंबर हैं, ऐसे ही जो आदि रतन हैं, इष्ट देव हैं, उनका भी कनेक्शन विशेष विशेष धर्मों से है। उन विशेष धर्मों में से उन विशेष आत्माओं को परमात्मा पार्टी के द्वारा चुना गया है, लेकिन उनमें पार्शियलिटी जैसी भावना कुछ नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये वो आत्माओं का ग्रुप है कि जो भी धर्म स्थापन होगा, कोई भी धर्म पिता के द्वारा धर्म स्थापना के 200-400 वर्ष के बाद जब उस धर्म की जनसंख्या लाखों की तादाद में पहुंच जाती है, तो उन आत्माओं को ये ग्रुप जाकर के उनकी राजाई स्थापना करने का कार्य संपन्न कर देता है। तो उन धर्म विशेष की आत्माओं को राजाई का वर्षा इस ग्रुप के द्वारा मिलता है, जो बाप समान आत्मा है। आया समझ में? बाप समान आत्माएं कितनी होंगी हैं? अष्ट तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, 12, लेकिन 11 होंगी, 11 से ज्यादा नहीं होंगे बाप समान। क्या? 11। अभी तक तो हम सब बात सुनते चले आए, कैसा पुरुषार्थ करना है? बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। तो सभी समझते थे क्या कि बाप समान बनेंगे, लेकिन वास्तव में बाप समान की लिमिट कितनी है? बाप समान की लिमिट है सिर्फ 11 आत्मा ऐसी निकलेंगी जो बाप समान होंगी, बाकी सब पार्शियलिटी वाली होंगी। क्या? उनके अंदर अपने अपने धर्म का पक्षपात भरा हुआ होगा। जो बाप और बाप के साथी होंगे उनके अंदर पक्षपात का भाव नहीं होगा। इसलिए कहा कि भक्तों का आवाज सुनने में आता है, हम पूर्वज की ही टालटालियां हैं, इन्हों को भी शकास देने वाले आप पूर्वज हो, अपने कंठ पक्ष का चित्र सामने लाओ।
क्या उसमें देखो? अपने को देखो कि आपका स्थान कहाँ पर है। पूरे कल्प वृक्ष में आपका स्थान कहाँ पर है? आप आदि रत्नों का, इष्ट देवों का, जड़ में भी आप हो है? बाप जब ऑलराउंड पार्टधारी है तो जो साथी होंगे वो भी ऑलराउंड पार्टधारी होंगे या बीच में से कहीं से शुरू हो जाएंगे? ऑलराउंड पार्टधारी होंगे। तो जड़ में भी आप हो, कोई भी जड़ की शुरुआत हो किससे होगी? आपसे होगी। तना में भी आप हो, क्या जो दूसरे दूसरे धर्मों की टालियां निकलती हैं उसमें भी आप हो। साथ में परमधाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ और समीप का है। कहां की बात बताई है? परमधाम की बात बताई। वो परमधाम कहाँ होगा? जहाँ साथ और समीप स्थान बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। वो परमधाम कहाँ होगा? इसी षष्ठी पर कोई ऐसा ब्राह्मणों का संगठन बनेगा जो ऐसा सशक्त संगठन रूपी किला होगा जिसमें पांडवों के सिवाय और कोई भी गलीज आत्मा उसमें पांव रख नहीं सकेगी। ऐसा वाइब्रेशन बंधा हुआ होगा। तो झाड़ के चित्र को सामने लाओ, अपने को देखो आपका स्थान कहां पर है। जड़ में भी आप हो, तना में भी आप हो और परम धाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ है और बाप के समीप है। जानते हो ना? धर्म पिताओं का स्थान बाप के समीप है या साथ है या दूर है? दूर है। जो परमधाम का चित्र दिखाया, बिंदु बिंदु आत्मा दिखाई गई है, वो बिंदु आत्माओं की बात नहीं, वास्तव में बिंदु रूप स्टेज में टिकने वाली आत्माओं की बात है। वो बीज रूप स्टेज में टिकने वाली आत्माएं जो हैं, वो बाप के नजदीक बैठी हुई दिखाई गई है चित्र में, चित्रण करके। तो इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको, ये हमारे हैं, हमारे अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। धर्म पिताओं के नीचे जितना भी सारा झाड़ है वो सारा ही झाड़ विस्तार वाला तुमको उस नजर से देखता है। अगर उस पूर्वज के नशे से, उस पूर्वज की स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है। कब आभास होता है? जब प्रैक्टिकल ऐसी स्टेज में स्थिर हो करके, पूर्वज की स्टेज में स्थिर हो करके उन आत्माओं से मिलते हो। क्योंकि दो फरवरी 2004 की अव्यक्त वाणी का दूसरा पीठ, आप सर्व के पूर्वज हो, आप सब के हो, आप किसी एक धर्म के नहीं हो। ऐसे स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे ही पूर्वज अथवा इष्ट देव फिर से हमको मिल गए, ऐसे अनुभव करेंगे। फिर पूजी भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। जैसी विधि पूर्वक पूजा आपकी होती है ऐसी और किसी की नहीं होती है। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारी जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। और गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो।
अपने को ऐसे समझते हो? ऐसा नशा है नशा जो समझते हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है, वो हाथ उठाओ। तो माउंट आबू के तो इतने बड़े हाल में बहुतों ने हाथ उठा दिया होगा। ऐसी स्मृति रहती है, नशा रहता है। अच्छा, अगर नशा रहता है, स्मृति रहती है, वो तो हाथ उठा दिया, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन भी पैदा होता है, कौन सा? हाथ उठाने में। ऐसी स्मृति, ऐसा नशा सदा रहता है? सदा किसको रहेगा या मोस्टली किसको रहेगा? है जो सड़क का भिखारी होगा उसको अपने भिखमंगेपन का नशा रहेगा, जो राजा का बच्चा होगा उसको राजकुमारपने का नशा रहेगा। प्रैक्टिकल होगा तभी तो रहेगा, अगर प्रैक्टिकल नहीं होगा तो रहेगा नहीं, तो नहीं रहेगा। इसलिए पूछा कि दूसरा क्वेश्चन है, सदा रहता है, सदा वो स्मृति स्थायी रहती है? बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, क्या चारों ओर के जो भी बच्चे बाबा के सामने हैं उन बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं? है हर प्रकार की प्राप्ति में, चाहे गुणों की प्राप्ति हो, शक्तियों की प्राप्ति हो, ज्ञान के भंडार की प्राप्ति हो, हर प्रकार की प्राप्ति में क्या देखना चाहते? अविनाशी देखना चाहते। माने इससे साबित हुआ कि जो बाबा जिन बच्चों की बात कर रहे हैं वो बच्चे भी अभी अविनाशी स्टेज में स्थिर नहीं है, अभी सीट पर पूरा सेट नहीं है। अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जब आप बहुत चतुराई देते हैं क्या कहते हैं? हम सदा रहते हैं। हर प्राप्ति की अविनाशी में, अविनाशी नशे में रहते तो हैं। अच्छा रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो बाप भी अविनाशी और आप आत्माएं भी अविनाशी है ना, इसका क्या मतलब हुआ? माने सिर्फ बाप और सिर्फ बाप के वो बच्चे जो चारों दिशाओं से चुने हुए हैं वही अविनाशी हैं? 500 करोड़ आत्माएं अविनाशी नहीं होती है? तो अविनाशी आत्मा तो 500 करोड़ सभी अविनाशी, फिर यहाँ क्यों बोला है? देखो बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो, इसका क्या? हाँ माने है तो 500 करोड़ आत्माएं लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहने वाले कोई बच्चे नहीं। सारे नहीं है, जो सदा कायम रहने वाले बच्चे हैं वो ही परिवार होगा जिस परिवार की इकाई पहले स्थापन होती है, नई सृष्टि की स्थापना में पहले पहले पार्ट बजाती है। चौरासी जन्म चक्कर में आता है, चक्कर में। ऐसे तो बाप जब आता है तो तीन देवताओं के साथ आता है ना, तो जो तीन देवताएं हैं उनमें एक तो जैसे है ही नहीं, कौन? विष्णु। कौन रह जाते हैं दो? ब्रह्मा शंकर और शंकर। तो वो तो जैसे माँ बाप हो गए, वो रामकृष्ण की आत्माएं क्या हो गई? हीरो हीरोइन का पार्टधारी माँ बाप हो गए। लेकिन उससे सिर्फ माँ बाप से परिवार बन जाता है क्या? बनता है? माँ बाप से परिवार नहीं बनता। जब बच्चे हो जाते हैं तो क्या कहा जाता है? परिवार बनता। परिवार। तो जो माँ बाप से पहले पहले के बच्चे बनते हैं
उनकी बात हो रही है। बोला बाप भी अविनाशी है और आप आत्माएं भी अविनाशी है, माना ये आठ का परिवार अष्टदेवों का परिवार, जैसे बाप अविनाशी पार्ट बजाता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाता है, वैसे ये आत्माएं भी बना ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है। आपकी प्राप्तियां भी अविनाशी है, ज्ञान भी अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है क्या, इसके द्वारा अविनाशी ज्ञान है, डायरेक्ट बाप के द्वारा अविनाशी ज्ञान प्राप्त होता है। कोई भी दीदी दादी दादियां उनको पढ़ाई ज्ञान की नहीं पढ़ा सकती, तो आपकी धारणा भी क्या होनी चाहिए, आपकी धारणा अविनाशी होनी चाहिए या बीच बीच में कटती हुई होनी चाहिए, सदा अविनाशी होनी चाहिए। बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सर्कमस्टांसेस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्या सदा माना चाहे सोते हो चाहे जागते हो, लगन कौन सी लगी हुई हो, विश्व की सेवा में लगे हुए हो, सदैव बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं, है? अभी महाकाली का पार्ट अंत में सामने आने वाला है, है? महाकाल और महाकाली होते हैं तो बाहर की दुनिया के लिए पहले महाकाल महाकाली बनेंगे कि पहले घर का सुधार करेंगे फिर पर का सुधार करेंगे, सफाई पहले कहां से होगी, लक्ष्मी तो आती है बाद में लेकिन सफाई कहां से शुरू होती है, घर परिवार से ही सफाई शुरू होती है ना। तो माया का विकराल रूप भी सामने आना है, रावण के 10 सिर कहे जाते हैं, 10 सिर में 5 सिर तो हैं माया के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 सिर हैं प्रकृति के। तो अब अंत समय ऐसा आने वाला है जिसमें प्रकृति भी विकराल रूप धारण करने वाली है, बल्कि ऐसे कहें विकराल रूप धारण करने वाली नहीं है, कर चुकी है, सिर्फ प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होना है। बोला प्रकृति की हलचल से माया की हलचल से बचने का उपाय बताया, क्या करो सदैव सेवा में बिजी रहो, लेकिन जब भी सेवा करते हो प्लान बनाते हो प्लान के अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो और सफलता भी प्राप्त करते हो, लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि हर एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी करो। कौन कौन सी तीनों सेवा, मनसा से संकल्पों द्वारा शुद्ध वाइब्रेशन द्वारा शुभ भावना शुभ कामना से दूसरी आत्माओं को सकास दो, ये मनसा की सेवा, और साथ साथ उन आत्माओं के संपर्क संसर्ग में आने पर उनकी वाचा से सेवा करो, तो मनसा भी हो वाचा भी हो, और कर्मणा अर्थात जब संसर्ग संपर्क में आते हो संबंध में आते हो तो उस समय भी उन आत्माओं की सेवा होनी चाहिए। संबंध काहे से होता है, संबंध सिर्फ मनसा से बंध जाता है क्या, संबंध तो साकार में होता है, साकार कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है। तो बोला कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा होती रहे, सेवा का भाव सेवा की भावना हो,
इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज्यादा है। क्या कहा? कब से बोलते चले आ रहे हैं मनसा सेवा के लिए, और अभी भी रिजल्ट क्या दिया? अभी तक भी जिन अष्ट देवों के बारे में अभी वाणी चल रही है उनकी ये हालत बताई। क्या, कौन सी सेवा ज्यादा करते हैं? वाचा की सेवा परसेंटेज में ज्यादा है। मनसा है, ऐसे नहीं कि मनसा नहीं है, लेकिन वाचा की परसेंटेज ज्यादा है। तो एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता होगी और ज्यादा सफलता होगी। तीनों सेवा, मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी, जब तीनों सेवाएं इकट्ठी की जाती हैं, तो जल्दी रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट भी अच्छा निकलता है और ज्यादा निकलता है। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं। क्या कहा? किस ग्रुप की बात हो रही है? हैं? आदि रत्नों की बात हो रही है, और उसमें भी क्या बता दिया, सारे ही सूर्यवंशी तो हैं, लेकिन फिर भी आए कहाँ से हैं? भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं। माने उन सूर्यवंशियों में वो श्रेष्ठ आत्माएं चुनी गई हैं जो हर धर्म से चुनी हुई विशेष आत्माएं, हर धर्म से चुनी हुई पावरफुल आत्माएं नहीं है क्या, लेकिन श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्माएं। उन आत्मा को चुनाव कहां कहां से हुआ है? चारों, अरे हर ग्रुप में कितने मणके होते हैं? बारह मणके होते हैं। और धर्मों के ग्रुप्स कितने हैं? नौ दस ग्रुप है ना। जो नास्तिक वर्ग की आत्माएं होंगी राजाएं भी नहीं आएंगी, लेकिन प्रजा वर्ग में तो आएंगी है? सत्य को त्रेता में नहीं आएंगी क्या? नहीं आएंगी। राजा में नहीं आएंगी, लेकिन प्रजा वर्ग में तो आएंगी। तो इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं। माने हर धर्म से विश्व धर्मों की श्रेष्ठ आत्माओं को इस ग्रुप में चुना गया है, और सेवा के प्लान अच्छे बनाए रहे, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बचे हुए बच्चे पहुंच गए, आए हुए बच्चे पहुंच गए हैं। क्या कहा? क्या 500 करोड़ पहुंच गए हैं? 33 करोड़ पहुंच गए हैं? अच्छा सतयुग के 2 करोड़ पहुंच गए हैं? अच्छा 9 लाख पहुंच गए? किसके लिए बोला? सभी हैं, सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए। माना हर दिशा से श्रेष्ठ बच्चों का चुनाव हो चुका है और बाप के पास पहुंच चुके हैं। ये देख बाप दादा को भी खुशी होती है। क्या देख करके? कि चारों ओर से बच्चों का चुनाव होकर बाप के पास पहुंच गए हैं, ये देख करके खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। क्या माने उस ग्रुप में बच्चे कैसे हैं? नए नए हैं या पुराने पुराने? पिछली बार संदेश में संदेशी गई तो क्या समाचार सुनाया था? कि जो माला दिखाई गई उस माला में पुरानों में से कोई था ही नहीं। कौन से बच्चे थे?
जो बच्चे थे उनको दीदी दादियां पहचानती नहीं, इसलिए बोला नए नए बच्चे बड़े उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं, जबकि और ब्राह्मणों की दुनिया की ये हालत बताई कि अशांति और दुख के वाइब्रेशन में डूबे हुए हैं, लेकिन इन बच्चों में उमंग उत्साह की लहर दिखाई दी। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्या कहा है? वो है तो हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं, जो देव आत्माएं होती है, जिनके संस्कार ही देव आत्मा के हैं, वो जन्म जन्मांतर दूसरों को सुख देने वाले होंगी या दूसरों से सुख लेने की इच्छा करने वाली होंगी? सुख देने वाली होंगी, उनके संस्कार ही होंगे देने की, देवता होंगी, लेने की इच्छा करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो बताया किस रूप में देखना चाहते हैं बच्चों को? सदा निर्विघ्न रूप में देखना चाहते हैं। क्यों? जब इतनी श्रेष्ठ आत्मा है तो उनके सामने तो विघ्न आने नहीं चाहिए, हैं? आने चाहिए, फिर क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि वो आत्माएं भी चाहे कितनी भी श्रेष्ठ रही है, लेकिन संघ का रंग दुनिया में सभी को लगता है। भल बोला हुआ है, कोई कोई आत्मा ऐसी है जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहती है, सिर्फ अंतिम 2-3 जन्मों में आकर के दुख झेलती है, तो नीचे तो गिरती है ना। नीचे गिरना कब होता है? बिना संग के रंग के हो जाता है। संग का रंग सभी को लगता है, माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है इस दुनिया में। तो यहाँ तो ये साबित हुआ कि वो आदि रतन जो है, वो अष्टदेव, वो अलग अलग धर्मों से खिंची हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इस लास्ट जन्म में अलग अलग धर्मों से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो इसका मतलब अंतिम जन्मों में दूसरे धर्म में जाकर गिरती है ना कि नहीं गिरती है? गिरती है। और जब गिरती है तो जिनके संसर्ग संपर्क में भी रही होंगी वो आत्माएं उनका जल्दी पीछा छोड़ देंगी, हैं? जैसे कोई कोई कहते हैं कि माया हमारे पिछाड़ी पड़ती है, हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो माया पीछा नहीं छोड़ती या कोई मायावी रूप में कोई आत्माएं हैं जो बार बार बुद्धि में विघ्न डालती है और बाप की याद नहीं आने देती? असलियत क्या है? संग का रंग। कोई न कोई ऐसी विशेष आत्माएं हैं दूसरे धर्मों की, विपरीत स्वभाव संस्कार वाली, जो हमारी याद की यात्रा में विघ्न पैदा कर देती है। उनके साथ हिसाब किताब जोड़ा किसने? किसने जोड़ा? हमने ही जोड़ा ना। तो जिन आत्माओं से हमने हिसाब किताब जोड़ा है, चाहे वो अष्ट देव में से ही क्यों न हो, वो सहज सहज पीछा नहीं छोड़ती है और विघ्न स्वरूप बनती है, चाहे वो सूक्ष्म शरीर से विघ्न स्वरूप बने और चाहे स्थूल शरीर के रूप में विघ्न रूप बने, वो विघ्न जरूर डालेंगे। तो ऐसे नहीं कह सकते कि विघ्न नहीं आने चाहिए, विघ्न आए लेकिन बाप की स्मृति से उन विघ्नों को दूर करते रहे। ओम शांति।